दर्शकों के लिए सिनेमा घरों में एक फैमिली ड्रामा मूवी रिलीज की गई है। फिल्म का नाम है गुड बाय। गुड बाय को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं और ये 2 दिन मूवी की स्टार कास्ट और दर्शकों के लिए कितना फायदेमंद रहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं पलक मुजाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल में। गुड बाय ये मूवी एक फैमिली मोशन ड्रामा पर बेस्ड है, जिसको देख एक पल में हंसना तो दूसरे पल में रोना निकल जाता है। लेकिन दर्शकों के ऊपर ये मूवी अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हो पाई या नहीं, इसके जानने के लिए तो सबसे पहले हमें फिल्म की कहानी और उसके मुख्य किरदारों की ओर रुख करना होगा। तो अगर सबसे पहले बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म में स्टार कास्ट का एक अच्छा मेल मिलाप रखा गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर साउथ के शिवल्ली रश्मिका मंदाना और सबकी चहेती नीना गुप्ता के साथ साथ पावेल गुलाटी, आशीष विद्यार्थी, शिविर नारंग, साहिल मेहता और हंसा सिंह जैसे कलाकार मूवी का हिस्सा है, इसलिए स्टार कास्ट के नंबर तो पूरे हैं। वहीं अब रुख करते हैं गुड बाय की कहानी की ओर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म एक फैमिली इमोशन ड्रामा पर बेस्ड है, जो कि अमिताभ बच्चन और रश्मिका के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें नीना गुप्ता की मौत हो जाने पर सब शॉक में चले जाते हैं। लेकिन मूवी की असल कहानी तब शुरू होती है जब अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों को लेकर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच टकराव देखने को मिलता है। बस पूरी कहानी फिल्म की इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है, लेकिन लगता है तब भी फिल्म दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि फिल्म के आंकड़े ये साफ बयां कर रहे हैं कि दर्शकों को ये फिल्म कुछ खासा पसंद नहीं आई। पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने सिर्फ 1.2 करोड़ का कलेक्शन ही किया है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 2.70 करोड़ रुपए हो गई है। माना जा रहा है कि तीसरे दिन छुट्टी की वजह से फिल्म के कलेक्शन में और अधिक सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि फिर भी वीकेंड के ये आंकड़े काफी कम हैं। यानी अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना जैसे बड़े कलाकार भी दर्शकों को एंटरटेन करने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, अगर इस वीकेंड आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये मूवी फैमिली के लिए साथ देखने के लिए एंटरटेनमेंट का अच्छा जरिया है। इस वीकेंड आप सब अपने परिवार के साथ गुड बाय मूवी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी तो सबकी नजर सिर्फ इसी पर रहेगी कि आने वाले दिनों में फिल्म लोगों को लुभा पाएगी या नहीं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे और भी मूवी अपडेट्स और बॉलीवुड जगत की तमाम अप टू डेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।